हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पोको M2 के अंदर अगर आप अपनी कॉल सेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे करें। कई बार आपकी जरूरत आती है अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं, या आपको कॉल ब्लॉक करनी है तो कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी कॉल सेटिंग एंड कॉल ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको अपनी कॉल सेट करने के लिए सबसे पहले अपने डायलर में आ जाना है। तो जैसे ही आप अपने डायलर में आ जाएंगे, डायलर में आने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ही आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है तो यहाँ आपको 3 लाइन का ऑप्शन देखो मिल जाता है। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग, तो हम सेटिंग पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन देखो मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसे आप यहाँ से ऑन कर दें। यहाँ से आप कॉल करें, इसकी नोटिफिकेशन चाहते हैं आप नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग है तो इसे आप ऑन कर दें। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑल नंबर या सेलेक्ट नंबर, जो नंबर की आप करना चाहते हैं सेलेक्ट करके। तो आप केवल कुछ ही नंबर ही करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नंबर सेलेक्ट करें। अगर ऑल कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसे यहाँ से ऑल कॉल पर सेलेक्ट रहेंगे। तो उसके बाद यहाँ से हम बैक चलते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखो मिल जाता है इनकमिंग कॉल सेटिंग, सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आपको 2 ऑप्शन वहाँ देखने मिलते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग एंड कॉल वेटिंग। अगर कॉल फॉरवर्ड करनी है तो यहाँ से जाकर आप अपनी कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में अभी टावर नहीं आ रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है, फ्लाइट मोड पे फ़ोन हमारा। इस पर से आपके अपनी कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं, या कॉल वेटिंग की प्रॉब्लम वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है इनकमिंग कॉल सेटिंग, इस पर क्लिक कर लेंगे आप। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करें, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट रिंगर। इसे इनेबल करने के बाद जैसे ही आप अपना फ़ोन फ्लिप कर देंगे तो आपकी जो कॉल आ रही है वो साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है क्विट रिंगर विद लिफ्ट इन, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी कॉल को रिस्पॉन्स करेंगे जैसे ही, तो आपका फ़ोन थोड़ा सा वाइब्रेट होगा। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है इंक्रीज रिंग टोन वॉल्यूम। इसे इनेबल करने से क्या है, जैसे ही आपके फ़ोन के बाद अगर कॉल आ रही है तो वो हल्के 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 आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता रहेगा, जो साउंड है आपका वो बढ़ता रहेगा। वहीं आपको ऑप्शन मिलता है फ्लैश बिंगिंग रिंगिंग। इसे ऑन करने से क्या होता है, जैसे ही आपके फ़ोन के अंदर अगर कोई कॉल आती है, इनकमिंग कॉल आती है, तो आपकी जो फ्लैश लाइट है वो बिंग करने जाती है, नोटिफिकेशन कर जाती है। उसके बाद यहाँ और नीचे करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है म्यूट टू फर्स्ट रिंग। अगर आप अपने कॉल करना चाहते हैं फर्स्ट रिंग के बाद म्यूट, तो इसे ऑन कर दें। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसे ऐसे ही रहने दें। इसके बाद यहाँ से हम बैक चलते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है आइडेंटिटी अननोन नंबर, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो इसे आप यहाँ से ऑन कर दें, एग्री, इसे यहाँ से आप ऑन कर देंगे। जो हेलो, यहाँ से आप जैसे इसे ऑन कर देंगे तो आपके पास अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आती है तो आपको उस पर आपका नाम शो कराने लगेगा, जिससे आप पहचान सकते हैं यहाँ का ये किसका कॉल है, कहाँ से आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक चलते हैं। उसके बाद बैक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्लॉक लिस्ट। अगर कोई नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं आप तो यहाँ से कर सकते हैं, या ऑल कॉल ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉल ब्लॉक लिस्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्लॉक कॉल फ्रॉम स्ट्रेंजर कॉल, ब्लॉक कॉल फॉरवर्ड कॉल ब्लॉक करनी तो यहाँ से कर सकते हैं, ब्लॉक कॉल फ्रॉम कॉन्टैक्ट, ब्लॉक कॉल फ्रॉम हिडन नंबर, जिनसे भी आप करनी है तो यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट मैसेज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई पर्सनल एक नंबर ब्लॉक करना है तो वो कैसे करें, तो उसके लिए यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन देखो मिल जाता है ब्लॉक नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने कुछ नंबर ये ब्लॉक कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ आपको अगर नया नंबर ब्लॉक करना है तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड ब्लॉक, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ऐड नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना नंबर ऐड कर देंगे। सिंपली यहाँ से मैं एक नंबर ऐड कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर नंबर ऐड करेंगे, यहाँ से हम एक नंबर ऐड करने देते हैं, यहाँ से मैं एक नंबर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से इस प्रकार से आप इसे ऐड कर देंगे। ओके, इस प्रकार से आप ये नंबर तो ऐड कर दिया आपने, हमने जो नंबर ऐड कर दिया वो आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा नंबर ऐड हो चुका है। अब बात आती है कि हमें एक नंबर ब्लॉक करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, या अभी इन फ्यूचर में कभी हमें ये नंबर अनब्लॉक करना है तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने जो नंबर ब्लॉक किया वो यहाँ आ रहा है। अभी जो बात आती है हमने जो नंबर ब्लॉक किया अभी किसी से अनब्लॉक करना है तो कैसे करें, तो आप इसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है अनब्लॉक। इस प्रकार से आप इसे अनब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने नंबर को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं और बैक चल। इसके बाद यहाँ आपको और समझ देखने को मिलता है ऑटो आंसर। अच्छा, ये ऑटो आंसर ये जब आप अपने फ़ोन में हेडफोन या ब्लूटूथ यूज करते हो तभी आपके लिए काम करता है। इसे ऑन करेंगे, जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे देखें
यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज हेडफोन ओनली, ब्लूटूथ ओनली, हेडफोन एंड ब्लूटूथ ओनली, जो भी आप यूज करते हैं तो उस पर आप यूज कर सकते हैं। इसे आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है एडवांस सेटिंग, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डायल पर साउंड चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं, क्विक डायल करना है वहाँ से कर सकते हैं, रीडायल ऑटोमेटिक कहाँ थे तो यहाँ से कर सकते हैं। वहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है वाइब्रेट व्हेन योर कॉल इज आंसर, जब आप अपनी कॉल वाइब्रेट करना चाहते हैं तो आपको फ़ोन थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल, लाइट, नन, जो भी करना चाहें आप, तो इसे कैंसिल कर देंगे। वहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉल वेटिंग नोटिफिकेशन, वो आपको यहाँ देखने मिल जाती है। यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।